ये देखा गया कि खरगोशनी वैसे तो करीब 7-8 साल जिंदा रहती है, रह सकती है, परंतु इनका जो प्रोडक्शन पीरियड जो बेस्ट होता है वो 3 से 4 साल तक होता है। 4 साल के बाद हम देखते हैं कि 3 साल के बाद इनका जो प्रजनन जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और बच्चे जो देती हैं वो पहले 6 से 8 देती थी, अब ये 4 से 6 देने लगेंगी। तो जो बच्चों की संख्या कम होती जाएगी और प्रजनन भी बार बार करने में दिक्कत आएगी, तो हम इनसे ज़्यादा हम 4 साल तक इनकी इनसे प्रजनन ले सकते हैं। उसके बाद जो मादा है उसका उसको हम मांस के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से नर का भी है, 4 साल तक हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम नए नर से इसको रिप्लेस कर देते हैं। आपने देखा कि 6 महीने में नया नर तैयार रहता है, 7 महीने में। पुराना नर अगर बहुत अच्छा हो तो उसको हम रख सकते हैं जब तक कि वो उसके हमें बच्चे मिलते जाएँ, परंतु 4 साल जो है इसका औसतन जो है इसकी प्रोडक्शन आयु मानी गई है। पर कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें बहुत अच्छी नस्ल है, बहुत अच्छा है, उससे अगर हमें अच्छी नस्ल लेनी है और साल में 2 बार ही बच्चे लेने हों तो भी हम उसको रख सकते हैं, क्योंकि उसकी जो बच्चियां हैं या उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी नस्ल के हैं और आगे जाके अच्छा देने वाले हैं, उनसे चाहे साल में हमें 1 या 2 बार भी बच्चे लेने पड़े, नस्ल सुधार के लिए हम उनसे बच्चे लेने चाहिए। परंतु प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम 4 साल तक हम उनसे बच्चे लेने चाहिए, उसके बाद रिप्लेस कर देना चाहिए नए बच्चों से, क्योंकि 6 महीने में व्यस्क होते हैं। एक बार आपने बच्चे किए, 6 महीने बाद वो तैयार हैं तो उनको रिप्लेस कर दीजिए। क्यों हमने पुराने जानवर क्यों रखने जो कि इनएफिशिएंट हो रहे हैं? और जो बड़ा जानवर है उसको हम उसकी सबसे अच्छी खूबी ये है कि उसकी खाल बहुत अच्छी होती है।